Assalamu alaikum, dear students and viewers. I hope you all are fine by the grace of Almighty. Today, I am going to discuss the poetic devices of the poem. I have discussed, actually explained, the poem in part 1 and part 2, and the links of part 1 and part 2 will be provided in the description. Before watching the poetic devices, kindly watch part 1 and part 2 of the poem. so uh, let's discuss the poetic devices. I will discuss the easy one first. Uh, anaphora, the first poetic device I'm going to discuss over here is anaphora. और anaphora होता क्या है? जैसे for example यहाँ पर or है, यहाँ पर or है, यहाँ पर or है, यहाँ पर, पर अब देखिए or है फ, इतनी लाइंस में और से स्टार्ट हुआ है जब भी अब एनाफोरा का क्या मतलब है जब भी ये वर्सेस सेम वर्ड से स्टार्ट होंगे हर एक लाइन जो सेम वर्ड से या सेम फ्रेज से स्टार्ट होगा उसको हम एनाफोरा कहते हैं जैसे कि यहाँ से देखिए आप फोर्थ लाइन से लेकर फिर सेकेंड स्टेंजा फिर थर्ड स्टेंजा में हर एक जो लाइन है वो और से स्टार्ट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम उस पोइटी डिवाइस को हम एनाफोरा कहते हैं जब भी लाइन के बिगनिंग वाले वर्ड्स सेम होंगे ठीक है और हम देखेंगे कि यहाँ पर भी एवरी एवरी एंड एवरी, एवरी, एवरी यहाँ पर भी सेम वर्ड से तीन लाइन स्टार्ट होते हैं तो इसको भी हम क्या कहेंगे इसको भी हम एनाफोरा कहेंगे ठीक है तो जब भी टू लाइंस या थ्री लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट होंगे उसको हम उस पोएटिक डिवाइस को हम एनाफोरा कहते हैं ठीक है थीके? अब नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस क्या है जब भी कुछ वर्ड्स एंड ऑफ द लाइन पे आएंगे एंड ऑफ द वर्ड्स पे आएंगे तो वहां पर क्या कहा जाता है उनको डाईफोरा कहते हैं ठीक है थीके? जैसे कि सेम सेम ठीक है और जब सेम वर्ड से ये एंड हो रही है लाइंस इनको हम क्या बोलते हैं डायफोरा कहते हैं एनाफोरा का अपोजिट ठीक है एनाफोरा मींस बिगनिंग विद द सेम वर्ड और फ्रेज एंड डाईफोरा मीन्स एंडिंग विद द सेम फ्रेज और लेटर आई मीन टू से वर्ड ओके और एक जगह है जहाँ पर द लाइन एंडस विद सेम वर्ड इसको भी हम क्या कहते हैं डायफोरा एनफोरा का अपोजिट ठीक है आई होप यू अंडरस्टुड बोथ Poetic devices very well. Anaphora means starting with the same word or phrase, and diaphora means ending with the same word or phrase. So, we discussed anaphora and diaphora. Now, I'm going to discuss the third poetic device called rhetorical device, or you can say rhetorical question. Okay? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट लाइन में ही वाई एंड हु यूज़ हुआ है तो पोइट जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है रीडर्स को विदाउट एक्सपेक्टिंग कि वो रियल आंसर उनको दे दे ठीक है और जब भी कोई भी पोइट क्वेश्चन पूछता है पोइम में हुँ? तो उसको हम कहते हैं रिटोरिकल डिवाइस ठीक है device, उस पोइटिक डिवाइस को कहते हैं रिटोरिकल डिवाइस एक तो पहले स्टेंजा मैं पहली लाइन में और लास्ट एंजाम में लास्ट लाइन में ने क्वेश्चन पूछा है ठीक है यहाँ पर व्हाट स्ट्रेंजर्स आर देयर मेरिकल्स ये भी क्या है रिटोरिकल डिवाइस है या रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं इसे ओके सो दिस वाज़ द थर्ड पोइटिक डिवाइस सो वी डिस्कस एनाफोरा डाइफोरा एंड रिटोरिकल डिवाइस और वी कैन से रिटोरिकल क्वेश्चन Now the fourth poetic device is metaphor. Okay. तो यहाँ पर walk, sight, ठीक है, wait, stand, talk, sit, look, ये सारे जो words हैं, actions हैं, इनको miracle कहा गया है, ठीक है? तो यहाँ पर इनको comparison किया गया है मेराकल के साथ तो इस पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं मेटाफोरा जहाँ पर कंपैरिजन होगा विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक एज ठीक है उसको हम मेटाफोरा कहते हैं नाउ द फिफ्थ पोएटिक डिवाइस इज स्नेकडिक्की स्नेक होता है एक कॉन्सेप्ट को पार्ट्स में डिवाइड करना ताकि हमारे पास आइडिया आए कि हम किस बारे में बात हैं इफ़ आई विल टॉक अबाउट

तो जहाँ पर एक पूरा एक आइडिया देना है किसी चीज के बारे में लेकिन हम पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हैं स्टैंडिंग दिस ऑल इज मेरिकल फॉर द पोइट वन मोर पोइटिक डिवाइस एंड द लास्ट वन हेयर इज इमेजरी यहां पर पोइटिक डिवाइस इमेजरी यूज हुआ है स्पेशली विजुअल जैसे कि हम बात करते हैं मोशन ऑफ द वेव्स फिश दैट स्विम शिप्स विद द मैन शिप्स विद मैन इन दैम ये सारा क्या है ये सारा इमेजिनेशन में हमें ले जाता है एनिमल्स आर फीडिंग स्टिंग एट द टेबल तो इमेजरी पोइटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुई है अब हमने कौन कौन सा पोइटिक डिवाइस आज डिस्कस किया एक तो एनोफोरा हमने डिस्कस किया राइट और हमने डाईफोरा जो कि एनोफोरा का ही अपोज़िट है ये भी हमने डिस्कस किया उसके बाद हमने मेटाफर डिस्कस किया राइट मेटाफर के बाद हमने डिस्कस किया स्नेडिकी ठीक है और हमने इमेजरी डिस्कस किया आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन काइंडली राइट इन कमेंट्स Thank you and have a nice day.